दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। अपनी जो पहली अपडेट को आगे बढ़ते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि डीआरडीओ के अंतर्गत जो है स्टेनोग्राफर और जूनियर ट्रांसलेशन के ऑफिसर के पदों पर भर्ती आ चुकी है। और यहाँ भर्ती जो है वो CEPTAM के मौके, इसमें देख सकते हैं डीआरडीओ के अंतर्गत भर्ती इसमें बताई गई है। और यहाँ पे 1061 पद इसमें बताए गए हैं। इसमें जो एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 से इसमें जो है 27 और 30 वर्ष तक इसमें एज लिमिट है। और इस भर्ती से ज़्यादा जानकारी के लिए आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। और ये इसकी जो फॉर्म भरने की जो 7 दिसंबर 2022 जो है इसकी अंतिम तिथि है, इससे पहले पहले आप अपना फॉर्म जो है भर दीजिएगा। मात्र 100 रुपये का इसके अंदर वो आपको शुल्क लगेगा, वो भी SC ST वालों से वो भी नहीं लगेगा, ठीक है। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, यहाँ से जाके अपना फॉर्म आप भर दीजिएगा। अपनी जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 14 से प्रवेश पत्र जो है वो जारी कर दिए गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो है ये इन्होंने वो एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। और इसमें 14 से 16 नवंबर के बीच में हो सकती है परीक्षा, यहाँ पे देख सकते हैं देश भर में परीक्षा कराई जाएगी। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, यहाँ से जगह अपना फॉर्म जो है क्या मतलब अपना जो प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ दूसरी संशोधित सूची में भी जो है दूर नहीं हुई तबादलों की गड़बड़ियाँ। बात हो रही है इसमें शिक्षा विभाग में 4 महीने के बाद जो हो चुका है जांच और फिर समस्या का बरकरार। नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आयुर्वेद कॉलेज में जो सबसे ज़्यादा जो है फर्जी दाखिले, मतलब 561, इन्होंने नीट क्वालिफाइड बच्चों को नहीं लिया, नीट क्वालिफाइड को एक तरफ करके जो भर्तियाँ इन्होंने दे दनादन कर दी। यहाँ पे देख सकते हैं कि 516 जो है फर्जी इन्होंने दाखिले ले लिए गए। आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है MBBS की सीटें भर ली गई हैं। और भी है इसके अंतर्गत जो है डॉक्टर संबंधित सीटें इन्होंने सारी भर ली गई। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयुष विभाग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। अपनी जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में 7 बार हो चुकी सुनवाई, 9 को फिर से सुनवाई इसमें होगी। बात हो रही है इसमें निर्णायक मोड़ पर पहुंचा 1% का विवाद। बात हो रही है इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती की जो है 1% को लेकर नौकरियाँ, कम से कम 1,000 नौकरियाँ मिलने की उम्मीद है। अगर एक नंबर बढ़ जाता तो 1,000 नौकरियाँ इनको मिल जाएंगी, जो इसमें विवाद चल रहा है प्रश्नों पर। बेचारे प्राइवेट काम कर रहे हैं ये, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो है कोर्ट में जो है 2021 से इसमें जो है वो केस चल रहा है। नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बीएड की पूल काउंसलिंग जो है वो सोमवार से कराई जाएगी। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ काउंसलिंग सोमवार से होगी। अभी तक जो है 1.17 लाख अभ्यर्थियों की सीटें आवंटित हो चुकी हैं, लगभग जो है 1.21 लाख इसमें सीटें खाली हैं। तो खाली का मतलब भाई जी SC ST वालों को फ्री में एडमिशन नहीं हो रहा, इसलिए ये सीटें खाली हैं। जो पेमेंट देगा उन्हीं का सीट पर होगा, स्कॉलरशिप बाद में आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कम से कम जो है 1,21,000 सीटें खाली हैं और इसकी काउंसलिंग जो है वो सोमवार से कराई जाएगी, यहाँ पर देख लीजिए। अपनी जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं भर्ती परीक्षा में 55% उपस्थिति। बात हो रही है इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है गैर शैक्षणिक कर्मचारियों ग्रुप सी, ग्रुप बी और इसके अंतर ग्रुप ए, इसके अंतर्गत रविवार को परीक्षा कराई गई थी शंभूनाथ इंस्टीट्यूट में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है। तो इसमें ग्रुप A, B, C, D गैर शैक्षणिक पदों पर जो है कम से कम इसमें 17 पदों के लिए जो 1700 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, तो इसमें 55% उपस्थिति इसमें रही है। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ MTS व हवालदार परीक्षा में अच्छी इसमें जो 80% अभ्यर्थी शामिल है। बात और इसमें जो है कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से रविवार को जो है आयोजित की गई स्टाफ हवालदार की परीक्षा में जो है 80% उपस्थिति जारी रही है, दर्ज कराई गई, यहाँ पर देख सकते हैं। ये अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिखा हुआ अवर अभियंता भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। आज के हिंदुस्तान के अखबार में गलत खबर छप गई, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ RO AR का जो 2021 का परिणाम जो संशोधित कर लिया गया, ये पूरी तरीके से जो है मिसप्रिंट हो चुका है। यहाँ पर ये खबर ये है मिसप्रिंट हो चुकी है, यहाँ पे संशोधित परिणाम RO AR को नहीं है। ये वाली खबर जो आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ वो जो है RO AR को नहीं है, ये जो ACF और RFO मुख्य परीक्षा का परिणाम बदला। बात और इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी के जो है इसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा का है परिणाम तकनीकी गड़बड़ियों के कारण बदल दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये अपनी जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ छात्रों ने की जो प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग। नेक्स्ट अपडेट की ओर यहाँ पे लिखा हुआ कि PCS 2022 में अभ्यर्थन वापसी के लिए जो है मांगे गए आवेदन, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये बात करते हैं संविदा कर्मियों की भर्ती के लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ मनरेगा में जो है कई पदों पर जो है 1278 कर्मचारियों की भर्ती जो होगी। तो सीधी सी बात है ये भर्तियाँ अगर कराई जाएंगी ये भी संविदा पर ही होंगी, इसके लिए विवाद बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। कल रात का वीडियो आपने देख ही लिया होगा।
मनरेगा में जो भर्ती कराई जाएगी उसके अंतर्गत कौन कौन से इसमें जो है, एक तो कौन कौन से पद इसमें होंगे, इसमें सहायक कार्यक्रम अधिकारी के होंगे, लेखा सहायक के होंगे और कंप्यूटर ऑपरेटर के होंगे, साथ में तकनीकी सहायक के होंगे और साथ में ये जो हैं ये जो भर्तियां होंगी ब्लॉक स्तर पर की वो कराई जाएंगी और ये वो भी संविदा पर। यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है संख्या जो है संविदा पर कर्मियों की भर्ती के लिए होगी। तो संविदा को हटाने के लिए परमानेंट भर्तियाँ लोग वर्क करना चाह रहे हैं, चपरासी भर्ती भी जो है परमानेंट होगी। अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है कि आउटसोर्सिंग से होंगी भर्तियाँ, करीब 10 साल के बाद जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर भर्ती के लिए इन्होंने कमेटी बनाई गई है और यहाँ पर लिखा हुआ एडेड स्कूलों में 20,000 पदों पर भर्तियाँ। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, संविदा के लिए इन्होंने जो है 13,000 रुपये, इसमें मात्र 13,000 रुपये मिलेंगे इसमें आपको। और साथ में यहाँ पर देख लीजिए जूम कर दिया है, मानदेय जो दिया जाएगा वो कट कटा के जो आपको 9,530 रुपये आपको मानदेय दिया जाएगा चपरासी भर्ती में। तो यही चीज़ इसके अंतर्गत मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लोग बार कह रहे हैं कि इसको परमानेंट होना चाहिए और वास्तव में होनी भी चाहिए, ठीक है। सारी भर्तियाँ पर परमानेंट, 18 से 40 वर्ष तक इसमें एज लिमिट है और ये लिखा हुआ है कि प्रदेश के आशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग से भर्तियाँ होंगी। तो इसके लिए इन्होंने जो है कमर कस ली है, तो फिलहाल जो है अभी इसमें विवाद हो सकता है और हो भी रहा, लोग बार लेटर लिख रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। और ये लेटर जो लिखा गया था कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से जो है यहाँ पे लिखा गया है सेवा में मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, और यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पे लेटर बार बार लिख रहे हैं कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सीधी भर्ती होने चाहिए, स्थायी भर्ती होने चाहिए, मतलब इसमें जो है किसी तरीके का कोई एग्जाम ना हो और सीधी भर्ती स्थायी भर्ती करा जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने कहा 20,000 जो है इन्होंने जो है भर्तियाँ जो होने जा रही हैं, कम से 45,000 भर्तियों, 20,000 तो लगभग मान के चलिएगा, ठीक है। तो 20,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भर्ती होगी, तो ये आउटसोर्सिंग से ना करा के सीधी भर्ती कराई जाए, इसके लिए लेटर इन्होंने बार बार लिख रहे हैं। आपकी क्या राय आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अल्पसंख्यक स्कूलों से भी जो है डाटा मांगा जा रहा है, बहुत जल्द इसमें भर्तियाँ आएंगी ग्रुप सी ग्रुप डी की, इसमें शिक्षक भर्ती आएगी, साथ में इसमें बाहु भर्ती इसमें आएगी और साथ में चपरासी भर्ती भी आएगी। जिस तरीके से एडिट कॉलेज में भर्तियाँ आती हैं, एडिट कॉलेज में शिक्षक भर्ती हो चुकी है, बाहु भर्ती इस समय चल रही है, फिर इसके बाद तुरंत चपरासी भर्ती आ रही है जैम पोर्टल के माध्यम से। तो इसमें अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ से भर्ती निकल जाए और आप बैठे रहें हाथ पाँव धरे हुए। इसलिए कह रहा हूं कि अगर कहीं से किसी भी ज़िले से अब किसी भी इंटर कॉलेज से भर्ती का विज्ञापन आता है, सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। इस ज़िले से, उत्तर प्रदेश के इस 75 जिलों में से जिस ज़िले से जिस इंटर कॉलेज से भर्ती का विज्ञापन आएगा, सबसे पहले जो है चपरासी भर्ती का है या फिर किसी और भर्ती का है, तुरंत मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना के दे दूंगा, वीडियो तुरंत बनाऊंगा अपलोड कर दूंगा। तो एक बार पुनः वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।